बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर वेब और यहां पे पब्लिश टू पीडीएफ, इसको डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शंस जो हैं वो क्या करती है। देखिए, सेव एज जिस तरह के नॉर्मल ऑफिस एप्लीकेशंस में भी हम फाइल्स को सेव एज करते हैं, जिसमें फाइल एक नए नाम से, एक नई जगह पे, एक नए फॉर्मेट से आप सेव कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। हम चेक करते हैं इसको। मैं सेव एज पे क्लिक करता हूं और यहां पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहां तो नाम आएगा फाइल का जो आपने देना है, यहां से हम लोकेशन फिक्स करेंगे और यहां पे सेव एज टाइप हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस के फॉर्मेट में आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको अडोब इलस्ट्रेटर में सेव कर सकते हैं, आप इसको ऑटोकैड में सेव कर सकते हैं और बहुत लंबी लिस्ट है इसके अंदर। सेव एज अडोब इलस्ट्रेटर या ऑटोकैड या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर करने का मकसद ये होता है कि ये उस सॉफ्टवेयर में भी ये फाइल खुल जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी अगर आप इसको सेव एज करेंगे, क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं और आपका जो कोरल ड्रा है वो भी वेक्टर बेस्ड है, उसमें भी वेक्टर्स में जो है काम होता है। तो हम इसको एक दफा अडोब इलस्ट्रेटर में सेव करते हैं और उसके बाद हमारे पास यहां पे सेव की ऑप्शन है। इसको मैं क्लिक करता हूं तो वो पूछ रहा है कि सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले भी सेव है मेरे पास है, तो मैं इसको इसका नाम चेंज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, हम इसको टेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद ये कुछ डायलॉग बॉक्स खोलेगा आपके पास, जिसको एहतियात से आपने जो है वो प्रोसेस करना है। दिस फॉर्मेट सपोर्ट मल्टीपल पेजेस ओनली व्हेन सेव टू CS4, क्योंकि मेरा ये डॉक्यूमेंट ज्यादा पेजेस का है इसलिए ये मैसेज आया। अगर आपका एक पेज होता तो ये मैसेज नहीं आना था। तो हम इसको एक दफा ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर एक्सपोर्ट की ऑप्शन है और हमारे पास इस डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस हैं कि कंपैटिबिलिटी है कि आप अडोब के किस वर्जन में इसको सेव करना चाह रहे हैं, उसके बाद करंट पेज को सेव करना चाह रहे हैं या कोई एक चीज सिलेक्ट की हुई है उसको सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ नीचे ऑप्शंस हैं हमारे पास, टेक्स्ट है, कर्व्स है कि आपका जो जो टेक्स्ट है उसको एज ए टेक्स्ट ही भेजा जाए दूसरे सॉफ्टवेयर में या उनको कर्व्स बना के, कर्व्स मीन उसको ऑब्जेक्ट बना के भेजा जाएगा। तो अगर आपको फॉन्ट वगैरह का नहीं पता तो आप उसको कोशिश करें कि उसको कर्व्स बना के जो है वो सेव एज करें या एक्सपोर्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस है हमारे पास, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट्स, के ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन है जो है उनको एज ए आउटलाइन ना लेके जाए बल्कि उनको भी ऑब्जेक्ट बना दे। और कुछ ऑप्शंस है जिनको आपने जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास वन इशू एक टैब जो है वो हमें नजर आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो जो एक्सपोर्ट करते हुए या सेव एज करते हुए इश्यूज होंगे वो यहाँ पे आएगा, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये इश्यूज जो है ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं। प्रोसेस कलर विल बी कन्वर्टेड टू CMYK के कलर मॉडल, जैसे कि मैंने कलर प्रोफाइल्स आपको बताया था कि ये जो कलर्स हैं सारे वो CMYK के कलर मॉड में तब्दील हो जाएंगे, ये वो आप हमें बता रहा है। तो हम अब इसको ओके करते हैं। जैसे आप ओके करेंगे ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हैज हो चुकी है अडोब इलस्ट्रेटर के तौर पर और अब आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं अडोब इलस्ट्रेटर। मैं एक दफा फिर जाता हूं यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स में और अगर आपने अपने कोरल ड्रा में ही इस फाइल को सेव एज करना है और आप कोशिश करने चाह रहे हैं कि किसी और वर्जन में इसको यूज किया जाए, सॉरी सेव किया जाए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये फाइल किसी को देना चाह रहे हैं
और उसके कंप्यूटर में जो कोरल ड्रा का 11 वर्जन है वो चल रहा है, तो आप इसको सेव एज 11 वर्जन में करके देंगे, फिर ये फाइल वहां पर चलेगी, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये था स्टूडेंट सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब हम कुछ आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, और हमारे पास एक्सपोर्ट। अब अगर हमने इसको इस अपने डॉक्यूमेंट को किसी और फाइल फॉर्मेट में तब्दील करना है, यानी वेक्टर बेस्ड नहीं है वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, आप उसको तस्वीर बनाना चाह रहे हैं, आप इसको BMP बनाना चाह रहे हैं, तो आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट। और यहाँ पे उसी तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने नाम देना है और फिर हम यहाँ पे वो फाइल फॉर्मेट देंगे जिस फाइल फॉर्मेट में हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। हम इसको ऑटोकैड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसको गिफ बना सकते हैं, हम इसको JPG बना सकते हैं, JPG एक तस्वीर की शक्ल में तैयार कर रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें, आप देखिएगा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आपने एहतियात से जो है इसको फिल करना है। इसमें हम कुछ ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कस्टम है कि आपको जो जो इमेज चाहिए, JPEG चाहिए, वो हाई क्वालिटी चाहिए, लो क्वालिटी चाहिए, मीडियम क्वालिटी चाहिए, किस किस्म का इमेज आपको चाहिए, ठीक है। तो जितनी हाई क्वालिटी होगी उतना जो साइज जो है वो इस फाइल का ज्यादा होता जाए। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर मोड है, अगर ग्रे, आप यहाँ पे नोट करें कि एम्बेडेड कर फाइल 3.07 इस फाइल का साइज बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे ग्रे स्केल इसको करते हैं कि ग्रे सारा कर दे तो 912 बाइट्स रह गए फाइल, ठीक है। और अगर हम CMYK करेंगे तो फिर ये 544 KB की फाइल बनेगी, ये जो अभी सेव हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे चेक करें, 2 वर्टिकल प्रीव्यूज भी आ सकते हैं। इसमें एक तरफ जो है आपका ओरिजिनल इमेज होगा और एक तरफ वो इमेज होगा जो आपका सेव होने के बाद आपको नजर आए। तो यहाँ पे मेट कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, मतलब फर्ज करें बैकग्राउंड कलर जो हम, तो हम इसको येलो बैकग्राउंड कलर करेंगे तो ये इस तरह का कलर आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम वाइट करते हैं तो फिर वही वाइट कलर ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वालिटी है, क्वालिटी हाई है, लो है, अगर हम लो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा साइज जो है वो फाइल का कम हो जाएगा, और अगर हाईएस्ट क्वालिटी करेंगे तो फाइल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह कुछ फॉर्मेट्स हैं वो भी आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है कि इसके यूनिट्स क्या रखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ विड्थ इसकी क्या रखनी है, कि लंबाई चौड़ाई कितनी इस तस्वीर की होनी चाहिए, और एट द लास्ट जब आप ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर लें तो फिर आपने इसको ओके कर देना है। और हम ओके करेंगे तो ये फाइल जो है ये हमारी अब एज ए JPG जो है वो सेव हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई फाइल इसमें लेके आनी है अपने कोरल ड्रा के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट का प्रोसेस भी उसी तरह है, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद जिस फाइल को आपने इंपोर्ट करना है उसको आपने ले आना है। फर्स्ट करें हम इस JPG को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, हमारे ये जो माउस की पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है, उसका आइकॉन चेंज हो चुका है। अब अगर आप वैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह आपके पास ये एलिफेंट जो है वो आ गया जो हमने एक्सपोर्ट की थी, इंपोर्ट की है। तो हम यहाँ पे फिर इसको एक दफ़ा देखते हैं इंपोर्ट करके, आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे इस किस्म की मार्की एरिया तो वो उसी साइज का जो है वो उसको यानी रीसाइज भी कर देगा उसको। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंपोर्ट। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, कि अगर आपने अपना ये डॉक्यूमेंट जो है ऑफिस यूज के लिए, यानी आपने वर्ड एक्सेल वगैरह या इन सॉफ्टवेयर्स में इसको
चलाना है तो आप एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करेंगे, अगर आपने इसको इंटरनेट पे इसको पिक्चर को देना है फिर आप एक्सपोर्ट फॉर वेब करोगे, और इसी तरह आपके पास अगर आप इसको पीडीएफ में तब्दील करना चाह रहे हैं पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में, तो आप इसको पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे पीडीएफ की तरह। तो इसी तरह हम इसको नाम देंगे पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा जिस जो आपने इसको लोकेशन दी होगी।